हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक नए वीडियो के साथ। दोस्तों आज कुछ जो है सब्सक्राइबर लोग जो है वो मिलने के लिए आ रहे हैं, तो अभी मैं जो है घर पे ही हूँ आज, और देखते हैं कब तक आते हैं। और अभी क्या है कि अभी मैं बैठा हुआ था, खाना पीना खा के जो है रेडी हो गया, काम के पे जाने के लिए तैयार था, तो उनका फोन आ गया कि भाई साहब आज मिलने के लिए आ रहे हैं। तो मैंने कहा चलो आ जाओ, काफ़ी मतलब ऐसा है कि चलो क्या है 10 प्लब और लग जाएगा, कोई बात नहीं। और अभी क्या करते हैं, खाना पीना हो गया, अभी देखो इनका जो है मस्ती चल रही है यहाँ पे। क्या चल रहा है तुम्हारा है? इनकी जो है इनका दिन भर ये पता नहीं क्या शॉपिंग वॉपिंग करती रहती है यहाँ पे। अपना आर्स बेबी, आर्स बेबी हाउ डू यू डू टूटी। तो यही है भाई सब, अभी देखते हैं, वेट कर रहे हैं उनका कि कब तक आते हैं। जैसे आते हैं फिर आप लोगों को मिलाएंगे, और जैसा कुछ होगा तो वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो है फोन आ चुका है कि वो लोग जो है आ रहे हैं और आ चुके हैं, अभी उनको जो है घर नहीं मिला है तो जा रहे हैं यहाँ पे। देखो मैंने गाड़ी वगैरह बाहर निकाल के खड़ी कर दी थी, जाने के लिए तैयार हो गया था, और अंदर वगैरह में जो है इतना ज्यादा अंधेरा है और एक तो ठंड लग रही बहुत ज्यादा। तो देखो यही पार्क है, यहीं पे आराम से बैठ के उससे बात करेंगे, और अभी चलते हैं उनको जो है लेकर आते हैं, देखते हैं कहाँ है वो। वैसे मैंने उनको बोला था शांति तिराज पास, वैसे मैंने लोकेशन दे दी थी अपने जो है पास वाली जो शॉप है वहाँ पे, लेकिन जो है देखो कहाँ पे हैं। उनसे जो है मैं अभी जाके जो है मिलता हूँ, फिर आप लोगों को मिलाता हूँ। दोस्तों अभी हम घर पे हैं और कुछ लोग जो है आए हुए हैं मिलने के लिए, यहीं बर्रा बाईपास बर्रा विश्व बैंक से, और यहाँ पे हैं क्या नाम है अंजना गुप्ता। अंजना गुप्ता जी हैं, क्या नाम है आपके चैनल का? अंजना गुप्ता। अंजना गुप्ता के नाम से ही इनका चैनल है, और ये है इनके पास इधर हम। मेरा नाम छवि गुप्ता है। हाँ। मेरा चैनल है सानविका क्रिएटिव कॉर्नर। सानविका क्रिएटिव कॉर्नर के नाम से चैनल है। आए हुए हैं मिलने के लिए, और यहाँ पे रश्मि बैठी हुई हैं, ये हैं राहुल जी, राहुल गुप्ता जी, और अभी हम यहीं पे थे। हमने कहा चलो मिल लेते हैं, कि ऐसा था कि काफ़ी दिन से इनका मैसेज आया हुआ था कि मिलना है, तो मैंने कहा चलो आज मिल ही लेते हैं फिलहाल, और देखते हैं जो बातचीत होती है वो हो जाएगी, इसके बाद जो है आप लोगों से मिलेंगे। तो जैसा कि ये सभी लोग मिलने के लिए आए हुए थे, और ये लोग अभी जा रहे हैं यहाँ से, और इनको भी काम पे निकलना है, इनको भी काम वगैरह था इनका, तो जो है वो ये लोग जा रहे हैं, और अभी जो है इनको जो है यहीं पे छोड़ दिया है। ये तिराहा है, तिराहा से ही जो है जाना रहेगा, और अभी क्या करते हैं ये जाते हैं फिर मिलते हैं आपसे, क्योंकि हमको भी जो है काम पे भी निकलना है। तो फिलहाल ये सभी लोग जो है जा रहे हैं बर्रा भाई पर। चलो ठीक है फिर, है बाय बाय। चल और ऐसा भाई साहब कि देखो मिलने के लिए तो बहुत सारे लोग बोलते हैं, लेकिन क्या है पता है, सही बताए यार, ऐसा हो जाता है ना, अपने आप को भी बुरा लगता है जब कोई हमारे पास में आता है और उसके जो है 1000 सब्सक्राइबर या फिर 400-500 सब्सक्राइबर ना बढ़े, तो इसलिए कम मिलते हैं लोगों से। मिलने के तो बहुत सारे लोगों को आता है यार भाई मिलना है, लेकिन अपने आप को शर्म लगती है कि भाई अगर कोई आया है मिलने के लिए तो उसकी हेल्प ना हो पाए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आते हैं और फिर आएंगे और उनके जो है अगर 1000 सब्सक्राइबर 500 सब्सक्राइबर ना बढ़े मेरी वजह से, तो फिर वो उनका भी नुकसान है कि भाई गए यार किसी के पास और हमारा कुछ हुआ ना, तो ये थोड़ा रहता है। बाकी ये लोग जो है मिलने के लिए आए थे, तो ये लोग अभी जा चुके हैं, और जो लोग मिलना चाहते हैं, देखो ऐसा है कि मैं सोच रहा हूँ कानपुर में एक मीटअप कर लिया जाए, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया है और मैंने एक भी मीटअप अभी नहीं किया। एक बार मैंने मीटअप किया था दमन पे, तो वहाँ पे कोई उतना ज़्यादा खास वो नहीं है लोगों का। कानपुर पे सोच रहा हूँ कि एक मीटअप कर लिया जाए जहाँ पे सभी लोग जो है मिले। वैसे एक भाई है रेलवे के ब्लॉग बनाते हैं, आप लोग जानते हो गए, उनके मिलियन में सब्सक्राइबर है, रेलवे के ब्लॉग बनाया करते हैं कानपुर से ही, वो भी मीटअप के लिए बोल रहे थे, तो उनका अगर देखते हैं मीटअप वगैरह कब है, हो सकेगा तो उसी मीटअप में मिलने की कोशिश करेंगे, नहीं तो फिर एक मीटअप वगैरह बीच में रखेंगे। आप लोग जो है बता दीजिएगा कि कैसा क्या है, अगर आप लोग मीटअप में मिलना चाहते हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बता दीजिएगा। भाई सभी क्या करते हैं, अभी चल रहे हैं काम पे यहाँ पे, और आज डाटा भी मोबाइल का खर्चा हो गया, सुबह में लाइव आ गया, इसके बाद रश्मि ने जो है कुछ बहुत जो है यूज कर लिया, तो फिर मुझे जो है डाटा करवाना पड़ेगा जाके, क्योंकि 1.5 GB का ही डाटा मिल रहा था अभी तक, और वो जो है पूरा जो है ख़त्म हो चुका है। यहाँ पे गया था यहाँ पास में ही, लेकिन वहाँ पे जो है नहीं जो करते, तो फिर बीच में रास्ते में वहीं पे कहीं पे कराना पड़े, तो चलो चलते हैं यहाँ से और निकलते हैं काम पे। मैं सेंटर पार्क में, खादी ग्राम उद्योग प्रदर्शनी लगी हुई है, यहाँ पर आप कुछ इस तरह से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, और ये गेट बना हुआ है,
यहाँ से एंट्री करनी है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह से प्रदर्शनी लगी है। थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को दिखा दूंगा क्योंकि मेरा जो है ऑर्डर लगा हुआ है, इसकी वजह से जो है मैं ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकता हूँ, लेकिन जो है आप लोगों को थोड़ा बहुत दिखा देता हूँ, आइडिया लग जाएगा। अगर आप लोग आना चाहते हो तो यहाँ पर आ सकते हो, जहाँ पर जो है खादी कपड़े वगैरह और अन्य प्रकार की जो है सामग्रियाँ जो है वो मिल जाएगी आपको। ये देखो ये कुछ इस तरह से ये पूरा यहाँ पर बना हुआ है, जहाँ पे खादी कपड़े ये देख सकते हो, ये सब खादी कपड़े हैं और जितने भी लकड़ी वगैरह के, मतलब ऐसा है कि ये जितने भी वैसे प्रोडक्ट होते हैं जो बोलते हैं कि खुद के देश में ही निर्माण होते हैं, वैसे वो जो विदेशी कंपनियां हैं वो नहीं बनाती हैं, उस तरह के जितने भी जैसे कि खादी कपड़े हो गए और ये लकड़ी के सामान वगैरह जो है वो हो गए, और बहुत सारी चीज़ें जो जैसे कि बहुत सारी प्रकार की जो है दवाइयाँ हो गई या फिर और भी जो है चीज़ें हो गई वो आपको यहाँ पे आप लोगों को देखने मिलोगे, जैसे कि अचार वगैरह हो गए, और हर एक जो है जगह से यहाँ पे प्रदर्शनी लगी हुई है, जैसे कि कानपुर गौशाला सोसाइटी की लगी हुई है, फतेहपुर की लगी हुई है, प्रतापगढ़ की प्रदर्शनी लगी हुई है, ये जम्मू कश्मीर से जो है यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह जो है वहाँ के जो है काफ़ी फेमस हैं, काजू वगैरह जो है अखरोट वगैरह हो गए। तो यहाँ पर अगर आप देखो काफ़ी चीज़ें हैं। इसके बाद जो है सीतापुर का जो है गांधी आश्रम का जो है एक क्लॉथ वगैरह की प्रदर्शनी लगी है, प्रयागराज का जो है जड़ी बूटी संग्रह औषधि निर्माण के जो है जड़ी बूटियाँ वगैरह जो है उसकी लगी हुई है, कानपुर देहात से है श्री बाबू सिंह कटियार, मतलब यहाँ पे भी जो है कपड़े की वगैरह जो प्रदर्शनी लगी हुई है, कानपुर देहात की लगी हुई है विश्व, मतलब कानपुर से भी जो है सारी प्रदर्शनी लगी हुई है। इसके बाद जो है प्रतापगढ़ हो गए, बाराबंकी से भी प्रदर्शनी उधर पर लगी हुई है और बहुत सारी जगह से लगी हुई है। कानपुर का जो है स्वराज आश्रम यानी कि जो खादी भंडार है उसका जो है प्रदर्शनी लगी हुई, क्योंकि कानपुर का भी खादी भंडार जो है काफ़ी प्रसिद्ध है, और यहाँ पर बहुत जगह से और जो है लोग आए हुए हैं, जैसे कि हाथरस का प्रदर्शनी लगी हुई है, यस खादी और रैक्स क्रिएशन आगरा की लगी हुई है, और सपहा फजिल नगर कुशीनगर से भी जो है यहाँ पे देहरादून से भी लगी हुई है। तो ये कुछ इस तरह से पूरा जो है यहाँ पे प्रदर्शनी वगैरह लगी हुई है, और इधर पे भी अगर आप जाओ तो प्रदर्शनी रुड़की उत्तराखंड की जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, वहाँ का भी जो है ग्रामोद्योग जो है रवि ग्रामोद्योग उनकी भी प्रदर्शनी लगी हुई है, बीकानेर से जो है मांगीलाल प्रजापति जो है उनकी जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, किसकी आयुर्वेदिक चीज़ों की। तो किस इस तरह से अमेठी की जो है राम गोपाल जी की जो है प्रदर्शनी लगी हुई है, वो ये हैंड क्राफ्ट को जो है आइटम्स जो है वो यहाँ पे जो है देखने को मिल रहे हैं, और बहुत सारी जगह से जो है प्रदर्शनी लगी हुई है। ये देख सकते हो ये जो है सोफ़ा वगैरह हो गए, कुर्सियाँ वगैरह हो गई यूनिक जो है डिज़ाइन की। तो ये है कि जितना भी हाथों से बनने वाला सामान है या फिर जो लोकल बनने वाला सामान है उनका जो है यहाँ पर एक प्रदर्शनी टाइप में लगी हुई है। तो लोकेशन मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो लोकेशन है ये सेंट्रल पार्क कानपुर में, और ये प्रदर्शनी अभी लगी रहेगी काफ़ी दिनों तक। तो अभी अगर आप आना चाहते हो तो आ सकते हो, अगर कुछ ऐसा सामान जैसे कि खादी कपड़े हो गए या फिर कुछ ऐसा सामान लेना है, औषधियाँ लेनी है, या फिर जम्मू कश्मीर का जो है ड्राई फ्रूट वगैरह काफ़ी फेमस है, वो भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएंगे। तो ये कुछ इस तरह से पूरा जो है यहाँ पर ग्राउंड पर प्रदर्शनी लगी हुई है, जहाँ पर आप आ सकते हो और यहाँ से अगर सामान वगैरह खरीदना है तो आकर खरीद सकते हो। फिलहाल अभी काम पे आ गए थे और काम ही पे थे, अभी है बर्रा 2 में तिरंगा चौराहे के पास में, यहाँ पे एक दमन का दोस्त है मेरा जो दमन में साथी में काम कर रहा था, तो जो है यहाँ पे उसने अपनी जो है शॉप वगैरह खोली है, तो हमने कहा चलो इधर आए हैं तो उससे मिल लेते हैं। तो ये करते पेटिंग वाला के नाम से, और अभी वो देखो आ रहा होगा तो मैं फिर आप लोगों को मिलाता हूँ। तो जैसा कि मैंने बोला था कि जो रिश्ता है वो भी गया हुआ है, आ चुका है, ये देखते हो दमन में देखा होगा है ना रिश्ता, ये देखो ये दमन में आप लोगों ने देखा होगा एक बार वहाँ पे कहते हैं ना देव का बीच वाला वीडियो बनाने, जब देव का बीच में कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था तो वहाँ पे हम दोनों लोग वीडियो बनाने गए थे उस वाले वीडियो पे था। और यहाँ पे शॉप डाल रखी है पेटीज वाला के नाम से, और ये तिरंगा चौराहा सामने है, तिरंगा चौराहा के बिल्कुल पास में है। तो आप लोग अगर कानपुर में रहते हो बर्रा 2 वगैरह में आते जाते हो तो यहाँ पे एक बार विजिट कर सकते हो। फिलहाल अभी क्या है इस वीडियो को बस यहीं पे समाप्त करते हैं, क्या ऐसा है कि रात में ज़्यादा लाइटिंग वगैरह का इशू थोड़ा रहता है, और बाकी तो आप लोग समझते ही हो कि क्या प्रॉब्लम रहती है, रात में ज़्यादा वीडियो वगैरह बना नहीं सकते, और ये वीडियो भी काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए इस वीडियो को बस यहीं पर समाप्त करते हैं।
वीडियो आप लोगों को अगर देख कर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।